चलिए आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। मध्य प्रदेश वास्तव में कहीं ना कहीं प्राकृतिक सुंदरता को भी लिए हुए हैं, और इस प्राकृतिक सुंदरता में जो उसकी छवि को दर्शाए हुए हैं वो है यहाँ की नदी स्रोत। यदि हम बात करें नदी की, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, यानी सबसे अधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इन नदियों पर पाए जाने वाले जलप्रपात अद्भुत हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता को या प्राकृतिक सुंदरता का एक जीता जागता उदाहरण है। जब भी आप इन जलप्रपात से गुजरते हैं या इनके पास के क्षेत्र से गुजरते हैं, तो उनको जो कि एक बार देखने के लिए अवश्य जाएं। वहाँ का जो आनंद है, वो आनंद की अनुभूति, अद्भुत आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। चलिए हम प्रमुख जलप्रपात को देखते हैं। ऐसे कौन कौन से जलप्रपात है जो रोचक भी है और हमारे जीके के लिए भी बहुत आवश्यक है। इनमें प्रमुख जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। ये जो है नर्मदा नदी पर है और जबलपुर में स्थित है, जबलपुर के भेड़ा घाट पर। जैसा इसका नाम है, ऐसा ही काम है, वाकई में धुआंधारी है। जो एक अविरल धारा यहाँ पर बहती है, उसमें पानी से जो बौछारें उतरती है वो एकदम पूर्णतः कहीं ना कहीं धुओं की तरह है, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम दिया गया है धुआंधार जलप्रपात। इसी प्रकार दुग्धधारा नर्मदा नदी पर है, कपिल धारा मंधा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा सहस्त्र धारा महेश्वर में है, खरगोन जिले के अंतर आता है। बहुत ही वाटरफॉल है जलप्रपात जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। पूर्वा जो तामसा रिवर पर है, रीवा में है ये भी। केवटी फॉल या जलप्रपात महाना रिवर पर है, ये भी रीवा में है। रीवा में भी काफ़ी जलप्रपात हैं। चेचाई जलप्रपात विहा नदी पर है। डचेस फॉल बहुती नदी पर है, ये भी रीवा में है। जमुना प्रताप पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ये पांडव जलप्रपात जो पन्ना के निकट है। भालकुंड राहतगढ़, इसको दो नाम से जाना था, भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़, जो राहतगढ़ जगह है और भालकुंड ये कुंड में आता है। इसका हम चित्र देखेंगे, फोटो पे भी इस पर जाएंगे भी, जो बीना नदी पर है। रजत प्रताप होशंगाबाद में है। और यहाँ पर एक और जो छूट गया है वो है पाताल पानी, और एक और है अप्सरा विहार पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत जीता जागता उदाहरण है। तो यहाँ पर कई जलप्रपात है जिसमें अप्सरा अपने आप में रोचक है। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धुआंधार की। ये जो है कि जबलपुर के भेड़ाघाट पर है, और इसका हमने यहाँ पर फोटो भी इसका एक लिया है, पिक्चर से यहाँ पर लिया है, जिसकी 30 मीटर की इसकी विड्थ हाइट है। 30 मीटर की गहराई तक ये पानी गिरता है, और इसकी मापी गई कि 30 मीटर का रेशियो इसका है। नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला आता है दुग्धधारा। ये अमरकंटक में है दुग्धारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर। अब इसके क्वेश्चन आते हैं, दुग्धारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है या कहाँ बनता है? तो नदी है नर्मदा, बनता है अमरकंटक। अगला है कपिल धारा। कपिल धारा जो कि अनूपपुर, ये भी अमरकंटक में है और नर्मदा नदी पर ही बनता है। इसके बाद है सहस्त्र धारा, ये भी नर्मदा नदी पर बनता है, लेकिन ये बनता है महेश्वर में, जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही है। अगला बहुत ही वाटरफॉल या जलप्रपात जो रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थित है। अगला है पूर्वा फॉल, ये तामसा रिवर पर है और रीवा नदी, सॉरी रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। केवटी फॉल या प्रपात, ये भी रीवा के अंतर्गत ही है, रीवा डिस्ट्रिक्ट। जब भी आपको जाना हो तो एक बार इन जलप्रपात की ओर
भी मुख करें आप इनकी तरफ, एक बार जाएं देखें, बहुत ही रोचक दृश्य होता है जलप्रपात का। चचई फॉल बिहट रिवर पर है, ये भी रीवा में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार रीवा के अंतर्गत प्रमुख जलप्रपात है। इसके बाद है डचेस फॉल, ये पंचमढ़ी पर है, बहुत ही रोचक जगह। पंचमढ़ी प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत चीता जागरण उदाहरण है और उन्हीं सुंदरता को बढ़ावा देते हैं ये जलप्रपात, जिनमें डचेस फॉल पंचमढ़ी में है। जमुना जलप्रपात देखिए आप, इनकी सुंदरता फोटो में चित्रित हो रही है। ये भी पंचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो ये भी पूछा जाता है कि डचेस फॉल कहाँ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए पंचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। जमुना प्रपात ये भी जो है कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, पंचमढ़ी के अंतर्गत है। रजत प्रताप ये भी होशंगाबाद पंचमढ़ी पर है। यानी पंचमढ़ी जब हम जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें रोचकता और सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। अगला अप्सरा विहार, मैंने इसको खासतौर पर पर्टिकुलर एक सिंगल लिया क्योंकि बहुत ही लुभावना है। जैसा इसका नाम है अप्सरा विहार, ऐसा कैसा इसका काम है। वाकई में प्राकृतिक सुंदरता के बीच में जो है कि यहाँ पर झरना गिर रहा है और अविरल धारा जो है कि स्वच्छ पानी, और बहुत ही रोचक है। ये भी पंचमढ़ी के अंतर्गत ही स्थित है। इसके अलावा पाताल पानी, जो इंदौर के पास और महू, इंदौर और महू के पास में है, कहा जाता है कि इसका था नहीं पाया गया है। ऐसे तो 21 मीटर का इसका लिखा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि इसका था नहीं पाया जाता, और कहीं ना कहीं पाताल में इसकी धारा गिरती है, इसलिए इसका कहीं ना कहीं नाम पाताल पानी है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी, एक ही परिवार के 5 से 6 लोग जो है कि इस धारा में बह गए थे। तो ये वही जगह है पाताल पानी, और ये चंबल नदी पर बनता है। पांडव फॉल ये पन्ना में है और बहुत ही रोचक है ये भी, जो केन नदी पर बनता है। राहतगढ़ वाटरफॉल, जिसे भानकुआ भी कहते हैं, तो यहाँ पर राहतगढ़ ये जगह का नाम है और ये कुआ कृति इसकी बनती है, इसलिए इसको भानकुआ प्रपात कहा गया है, जो सागर जिले के अंतर्गत स्थित है। साथियों, इसके अलावा मंडार जलप्रपात भी है। मंडार के अलावा दर्दी जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर बनता है। और इसके अलावा झांडी दाहा जलप्रपात भी है, जो चंबल नदी पर बनता है। और भी छोटे मोटे कई जलप्रपात है, लेकिन ये प्रमुख जलप्रपात है, जो अधिकतर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनका स्थान कहाँ स्थित है, किस नदी पे बनते हैं और उनका नाम क्या है। तो नाम हमें याद है और उसका लोकेशन हमें याद है और नदी याद है, तो हम इनका सही से आंसर दे सकते हैं। तो हमने आज इनको सचित्र प्रस्तुत किया आपके सामने, ताकि कहीं ना कहीं वो याद हो जाए उनकी आकृति से। जब हम सामने से देखते हैं, रोचकता से देखते हैं, तो हमें वो चीज़ बड़ी आसानी से याद हो जाती है। साथियों, यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको अपने पोर्टल पर, अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।